राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम अपने गांवों को जानना। ये किरपाल सिंह और कमलजीत कौर की कहानी है जिनका पालन पोषण शहर में हुआ था और जो गांव के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये कहानी उन लड़के लड़कियों के लिए भी है जो वास्तविक भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये भारत जो हमारे गांव में रहता है। किरपाल सिंह और कमलजीत के चाचा हरिंदर ने कई बार उन्हें अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया था। उनके भाई गुरमिंदर तो शहर के आराम और सुविधाओं के कारण शहर में ही बस गए थे। हरिंदर गांव में अपनी खेती बाड़ी के बीच बस गए थे। इस बार किरपाल और कमलजीत ने छुट्टियों में अपने चाचा के गांव जाने का निश्चय किया। वे दोनों गांव तो गए लेकिन उनका मन उत्साह तथा संदेह से भरा हुआ था। खैर, वे वहां पहुंच गए। उनके चाचा का घर पक्का था जिसमें एक सुंदर आंगन था। घर के ठीक सामने एक चमकती नदी थी। फिर भी पहले दिन वे बड़े निराश थे किंतु शाम तक उन्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली कि गांव ने उनका मन जीत लिया। ताजे अमरूद, भुट्टा, लस्सी के बड़े बड़े गिलास, मक्खन और रात में मकई की रोटी और सरसों का साग, इतनी स्वादिष्ट चीजें उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। रात होते होते चाचा ने वचन दिया कि अगर वे दूसरे दिन सुबह जल्दी उठेंगे तो वे उन्हें अपना खेत और गांव दिखाने ले जाएंगे। कमलजीत सुबह 5 बजे उठकर बैठ गई। शहर में रहते हुए इतनी सुबह उठने की तो वो कल्पना भी न कर सकती थी। चूंकि उसे प्रकृति से प्रेम था इसलिए वो आंगन में चहलकदमी करने लगी। उसने दूर दूर तक फैले आसमान की ओर देखा। इसके पहले उसका ध्यान कभी इस ओर नहीं गया था। उसकी चाची गौशाला में गायों के दुहने की निगरानी कर रही थी। कमलजीत के लिए ये बिल्कुल नई बात थी क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी गायों को दुहते हुए न देखा था। उसकी चाची ने बिना उबाले ही उसे थोड़ा दूध पीने को दिया। कमलजीत को विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार भी दूध पिया जा सकता है। लड़के भी उठ चुके थे और पूरा घर चहल पहल से भर गया। सुबह के नाश्ते के बाद वे बाहर जाने के लिए तैयार थे।
उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने दूर तक फैली गेहूं की फसल देखी जो कि कटाई के लिए तैयार थी। सुनहली सुनहली ये फसल संपन्नता का प्रतीक थी। हरिंदर चाचा और अन्य किसानों के खेतों में खेती के लिए कई मशीनों का उपयोग होता था। हल और बैल अधिक नहीं दिखाई देते थे, बस इक्के दुक्के ही दिख पड़ते थे। खेती का अधिकांश काम ट्रैक्टर से होता था और अन्य कई तरह की छोटी छोटी मशीनें थीं जिनसे काम करना आसान हो जाता था। खेतों के बीच नहरें थीं और वहां नलकूप भी लगे हुए थे। पहली बार उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ था। उन्होंने घास फूस साफ की, वे घास से खेलते रहे। गेहूं के ढेर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो भी वस्तु उन्होंने देखी वही उन्हें भा गई। लगता था जैसे वे बिल्कुल बदल गए हों। दूसरे दिन वे गांव की दुग्धशाला देखने गए जहां हर काम मशीन से होता था। उन्होंने देखा कि किस तरह वहां की गायें स्वस्थ हैं और उन्हें भर पेट चारा दिया जाता है। वहां की गौशालाएं कितनी साफ सुथरी हैं। वे गायों और भैंसों के साथ खेलते रहे। उनके बाकी दिन इस आधुनिक गांव की नई नई वस्तुओं का पता लगाने में हंसी खुशी में बीते। उन्होंने गांव का अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी देखे। वे देविंदर की पाठशाला भी गए। वो पाठशाला एक छोटे से भवन में तो थी किंतु अच्छी तरह व्यवस्थित थी। ऐसा लगता था कि वहां बड़ा आनंद आता होगा। जब घंटी बजी तो सब बच्चे अपनी अपनी चटाई लेकर एक खुले स्थान में बैठ गए और इस प्रार्थना सभा में उन्होंने गीत गाए। वे देश के अन्य भागों में हो रही बातों से भली भांति परिचित थे। कक्षा में वे सब चटाई पर बैठते थे और उन सब के सामने एक एक चौकी रखी हुई थी। जब वे घूमने के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि इस गांव के लोग हृष्ट पुष्ट हैं। वे बड़े मेहनती हैं। गांव में एक बढ़ई भी था जो पलंग मेज और शेल्फ आदि बनाता था। गांव के मिस्त्री अच्छे कपड़े पहनते थे और सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। इस गांव में जीवन का सच्चा रूप देखने को मिला था क्योंकि यहां के लोगों में अच्छे जीवन के लिए प्यार था। किरपाल और कमलजीत एक दिन शाम को एक शादी में गए और उसका भरपूर आनंद उठाया। वहां सब में अतिथि सत्कार की भावना थी। उनके चाचा जी फिर उन्हें गांव में भांगड़ा दिखाने ले गए। और उसे देखकर तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। हिंदू मुसलमान सिख सभी धर्मों के लोग एक साथ नाच रहे थे।
जब उन्होंने इन दोनों नए बच्चों को देखा तो उन्हें भी अपने साथ मिला लिया और वे भी सबके साथ मिलकर खूब नाचे। ये भांगड़ा स्कूल के मंच पर किए गए भांगड़ा नृत्य से कितना अलग था, यहाँ अधिक आनंद था, दर्शकों की कोई चिंता ही न थी। क्या गांव में गरीबी का नामो निशान नहीं है? किरपाल ने पूछा। चाचा जी ने बताया कि ये विचार गलत है कि गांव के लोग अज्ञानी हैं और नई बातें सीखना नहीं चाहते। गांव के कई प्रौढ़ व्यक्तियों ने पढ़ना और लिखना सीखा था, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे नई बातों को सीखने, अपने आप को बदलने और प्रगति के लिए तैयार थे। उनमें नई बातों के प्रति जोश था, दिलों में उमंग थी और स्वभाव से वे संतोषी थे। बच्चों के लिए गांव की ये सैर इतनी शिक्षाप्रद थी कि जब वे वापस लौटे तो बड़े प्रसन्न थे। गांव के जीवन के प्रति उनके विचार ही बदल गए थे। अपने नन्हे चचेरे भाई देविंदर के प्रति उनके मन में प्रेम और बढ़ गया था और उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे हर छुट्टियों में गांव लौटेंगे। क्या तुम किसी गांव की सैर पर गए हो? क्या तुम्हारे निजी अनुभव भी इन्हीं दो बच्चों के अनुभवों के समान हैं? अगर तुम्हारे अनुभव भिन्न हैं, तो वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें गांव के प्रति उदासीन बना दिया है? ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के सभी गांव इतने ही समृद्ध नहीं हैं। वहां रहने वाले लोगों में से अधिकांश गरीब हैं और उन्हें मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता है। गांव के सभी लोगों के पास जमीन नहीं होती, केवल कुछ किसानों के पास ही अपनी जमीन होती है। अन्य उनके खेतों में उनके लिए काम करते हैं, उनका खेत जोतते हैं। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। इस तरह उनका शोषण होता है। यहाँ निर्धनता है, गंदगी, बीमारियां, सभी कुछ है। यहाँ अंधविश्वास भी है, बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती हैं। यहाँ बहुत दुख है, परंतु प्रश्न उठता है कि यदि 20 वर्षों में देविंदर के गांव जैसे कुछ गांव समृद्ध बन सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं हो सकते? क्या इसका कारण ये है कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया? अपनी शिक्षा तथा ज्ञान को उनके साथ बांटने की दिशा में कुछ ध्यान नहीं दिया? गांव में जाकर स्वयं देखो कि भारत की वास्तविक दशा क्या है। ये खुशी की बात होगी यदि एक दिन तुम्हारे मन में गांव के लिए कुछ करने और गांव वालों की हालत सुधारने की भावना जागृत हो। अपने गांवों को जानना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी
तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।